हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बटर मसाला कॉर्न। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, बहुत कम टाइम में ये बन भी जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 कप कॉर्न के दाने। इसे मैंने पहले ही दाने को छुड़ा के अलग रख लिया था। एक बर्तन लेंगे और उसमें हम सारे कॉर्न को डाल देंगे। 1 कप कॉर्न के हिसाब से यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी इसमें लिया है। और चलिए अब हम इसे बॉईल करने के लिए गैस पे रखते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 6 से 7 मिनट तक इसे हमें बॉईल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉईल आ चुकी है। तो इसे हम एक बार बढ़िया से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस 2 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर लेंगे और उसको पानी से अलग कर लेंगे। अब गैस पे मैंने एक पैन को चढ़ाया है। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने डाला है बटर, साथ ही 1 चम्मच डालेंगे ग्रेट किया हुआ गार्लिक। ये ज़रूरी है, इसे ज़रूर डालें, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। बढ़िया से इसे थोड़ा सा हम पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं गार्लिक एकदम से गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, इसमें बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो बस इसी टाइम पे जो हमने कॉर्न को उबाल करके रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे बढ़िया से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते ही बढ़िया से इसे मिक्स करने के बाद ही हम तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि कॉर्न के दाने तो पहले से ही बॉयल हो चुके हैं। बस इसे हमें बटर और गार्लिक के साथ बढ़िया से मिक्स करना है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाली है थोड़ी सी लाल मिर्च, साथ ही डालेंगे काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा चटपटे फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसमें चाट मसाला। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी रेसिपी है, एक बार ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और हाँ, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको छोटी मोटी भूख लगी हो और घर में कॉर्न रखे हो तो आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स, साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है, इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा, ज़रूर से डालिएगा। साथ ही इसमें फिर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, एक बार मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे।